एक सप्ताह पहले गुड़ व्यापारी की लूट के बाद की गई हत्याकांड का बुलंदशहर पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने घटना में शामिल दो हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी गई नकदी और आला कत्ल भी बरामद किए हैं। बुलंदशहर एसएसपी डीआईजी संतोष कुमार सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि बीती 12 तारीख को स्याना कोतवाली क्षेत्र में 62 वर्षीय गुड़ व्यापारी प्रदीप कुमार से बाइक सवार दो बदमाशों ने हथियार के बल पर 2,80,000 रुपये की लूट की थी, जबकि विरोध करने पर व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बुलंदशहर पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि हत्यारोपियों ने वारदात से पहले दो दिन तक गुड़ व्यापारी की रैकी की थी, जिसके बाद स्याना कोतवाली क्षेत्र के रजवाहा रोड पर दोनों बदमाशों द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया। एसएसपी के अनुसार घटना का अनावरण करने के लिए पुलिस की 7 टीम इस घटना पर काम कर रही थी। पुलिस टीम लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। पुलिस का दावा है कि 60 किलोमीटर के दायरे में आने वाले मुख्य सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस हत्यारोपियों तक पहुंच पाई। बकौल एसएसपी, स्वाट टीम और स्याना कोतवाली पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को लोहा पुल से गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, जिनके कब्जे से लूट की 100% रकम, घटना में प्रयुक्त आला कत्ल और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए मेरठ निवासी हत्यारोपी रोहित उर्फ अनुराग और राहुल का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है और इससे पहले दोनों आरोपियों द्वारा अलग अलग जनपदों में व्यापारियों से लूट की वारदात को अंजाम दिया जा चुका है। फिलहाल गिरफ्तार किए गए दोनों हत्यारोपी रोहित उर्फ अनुराग और राहुल को बुलंदशहर पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। ये दिनांक 12/3/22 को एक बहुत ही सनसनीखेज और दुखद घटना थाना स्याना क्षेत्र में हुई थी और लगभग एक 60 वर्षीय प्रतिष्ठित गुड़ व्यवसायी की लूट के इरादे से गोली मारकर बॉम्बे पे जाते समय जब वो जा रहे थे मंडी, उनकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना को लेकर निश्चित तौर पर व्यापारियों में भी बड़ी पीड़ा और दुख था। तमाम व्यापारिक संगठन भी दुखी थे और लोग बार बार हमसे भी संपर्क में थे। ये पुलिस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था क्योंकि अपराधियों के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी, कोई सुराग नहीं थी। लेकिन जनपद बुलंदशहर की स्वाट टीम और स्याना थाने की टीम ने मिलकर के बहुत अथक प्रयास किया और इस मायने में इसे अद्भुत कहा जा सकता है कि लगभग 60 किलोमीटर रेंज के सभी सीसीटीवी कैमरे तलाशे गए, खंगाले गए और उनके आधार पर बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से दो लोग चिन्हित किए गए, जिनका सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पीछा करते हुए हमारी टीम उनके गांव तक लगभग पहुंच गई और वहां पहुंचने के बाद फिर और भी तकनीकी तथ्यों का सहारा लिया गया। उसके आधार पर आइडेंटिफिकेशन हुआ। उस आइडेंटिफिकेशन से दो अपराधी रोहित उर्फ अनुराग, जो गावड़ा किला परीक्षितगढ़ का है, और इसी के गाँव का राहुल पुत्र चतर सिंह दूसरा, ये दो लोग आइडेंटिफाई हुए और मोटरसाइकिलों पर जाते देखे गए। इसके साथ ही जब हमारी टीम ने और तकनीकी रूप से देखा तो इस जोन में करीब 5 घटनाएं और गुड़ व्यापारी के साथ हुई थी। 5 में पूर्व में गोली मारी गई थी और हम लोगों ने जब उन तारीखों पर और इनके तमाम जो तकनीकी तथ्य थे उनका विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि जब जब घटनाएं गुड़ व्यापारी के साथ हुई हैं यही दोनों वहाँ पर मौजूद रहे। तो इस तरह से इस अभियोग का अनावरण हुआ है और इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। 1,60,000 कैश, 2,80 कुल टोटल पैसे सेठ के पास थे, उनमें से 1,60 की बरामदगी की गई है। एक अभियुक्त जो रोहित है, इसने घटना के एक दिन बाद अपने खाते में 25,000 करके इसी लूटी गई धनराशि से लगभग 1.5 लाख के आसपास रुपए डाले थे। तो इस तरह से वो भी हम लोग जो है इन्हें पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर के और विधिक प्रक्रिया के तहत इनके बैंक खाते से उस धनराशि को प्राप्त करेंगे। तो ये बहुत ही इस तरह उल्लेखनीय घटना का अनावरण हमारी टीम ने किया है और इस निमित्त इस टीम को 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है। उल्लेखनीय यह है कि इस टीम के द्वारा गुड़ व्यवसायियों के साथ कुल 6 लूटें की गई हैं, जिनमें हापुड़ की 2 लूट है, 1 अप्रैल 2021 में हुई थी, दूसरी दिसंबर 2021, नवंबर 2020 में इन्होंने किला परीक्षितगढ़ जिस थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं अपने थाने में ये लूट की घटना कारित की थी, दिसंबर 2021 में खतौली मुजफ्फरनगर में भी इनके द्वारा गुड़ व्यापारी को गोली मारकर कैश लूटा गया था। लेकिन यह दुर्भाग्य रहा कि उन घटनाओं में कभी प्रकाश में नहीं आए, इनका अनावरण नहीं हो पाया। तो इनकी गिरफ्तारी के साथ ही
इन जनपदों की इन घटनाओं का भी अनावरण हो गया है। संबंधित जनपदों से टीमों ने आकर के पूछताछ कर ली है। अब इसमें दो चीज़ महत्वपूर्ण है, एक तो यह है कि ये गुड़ व्यापारी को क्यों चिन्हित करते थे, इसमें जो दूसरा अभियुक्त राहुल है ये पहले हापुड़ मंडी में काम करता था और गुड़ व्यापारियों के साथ काम करता था, तो इसे पूरी इस बात की जानकारी थी कि गुड़ व्यापारी पैसा लेके कैसे आता है कैसे जाता है। तो एक तो वहाँ से इन्होंने ट्रेंड को प्राप्त किया, और चूँकि सभी गुड़ मंडियों में लगभग इन्होंने वारदात कर ली थी, सयाना मंडी शेष थी, तो उस इरादे से सयाना में आए। इस घटना से पहले लगभग तीन बार इनका आना प्रमाणित है, 2 तारीख को इसी महीने में, 9 तारीख को, 8 तारीख को, 10 तारीख को, तो इन 4 दिनों में इन्होंने रेकी किया, पूरी मंडी में घूम करके व्यवसायी चिन्हित किया, उसके आने जाने के रास्ते को देखा और इसके बाद घटना को अंजाम दिया। हाँ, इनके कब्जे से एक तो लूटी गई धनराशि बरामद की गई है, एक पैशन प्रो बाइक जो इस घटना में प्रयुक्त हुई थी वो बरामद हुई है, 2 तमंचे 315 बोर के, 8 कारतूस जो आला, जिसमें से आला कत्ल भी एक है जिससे इन्होंने गोली चलाई थी और व्यवसायी की मृत्यु हुई थी। मृतक का सामान, बैग, आधार कार्ड की छाया प्रति, ड्राइविंग लाइसेंस की छाया प्रति, जो चेकबुक, एक गुड़ की रसीद, एक SBI की पैसा जमा करने की रसीद, मृतक के भाई संदीप के आधार कार्ड की छाया प्रति, माने जो सामान मृतक के बैग में थे वो सामान भी इनके कब्जे से बरामद किए गए हैं। अभियुक्त राहुल के रक्तरंजित जूते भी बरामद हुए हैं। घटना के बाद जब ब्लीडिंग हो रही थी और गिरा हुआ था तो जो खून पड़ा था उस पर इनके जूते पड़े थे, तो वो भी बरामद किया गया। घटना का अनावरण होने के बाद मृतक गुड़ व्यापारी प्रदीप कुमार के परिजनों ने भी पुलिस का आभार व्यक्त किया। Time24 न्यूज के लिए इकबाल सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।